हेलो और नमस्कार दोस्तों, आज के चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे विषय की जो इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज आर्थिक मंदी की और जानेंगे उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ रही है और समझेंगे उन सभी एस्पेक्ट्स के विषय में जो आर्थिक मंदी को यहां पर समाप्त कर सकते हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक मंदी क्या होती है। तो इसको समझिए इस तरीके से कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार दो तिमाही तक दबाव में रहती है, मतलब उसकी जीडीपी लगातार गिर रही है दो तिमाही तक, तो ऐसे कंडीशन में उसे टेक्निकल रिसेशन कहा जाता है। और जब यह परिस्थिति लगातार कई तिमाही तक बनी रहती है तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं कि उस देश में आर्थिक मंदी आ चुकी है। अब यह समझते हैं कि आर्थिक मंदी के लिए किन तरह के शब्दों का या टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने तीन शब्दों का ज्यादा उपयोग देखा होगा। एक कहते हैं इन्फ्लेशन, एक कहते हैं स्टैगफ्लेशन और एक कहते हैं हाइपरफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति में डिसबैलेंस इतना ज्यादा नहीं होता, मांग बनी है पर पूर्ति थोड़ी सी कम हो रही है मांग की अपेक्षा, तो ऐसे वस्तु के दाम जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई। नहीं, किसी अर्थव्यवस्था में जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि किसी वस्तु की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, ना उसमें बढ़ोतरी हो रही है ना वो घट रही है, अर्थात उस वस्तु का मूल्य जो है वो स्थिर हो गया है, तो इसे कहते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी वस्तु की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही उस तरीके से, और उस वस्तु का दाम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस व्यवस्था को कहते हैं हाइपरफ्लेशन। तो यहां पर हम समझते हैं कि आर्थिक मंदी इस समय जो विश्व में आने वाली है इसके पीछे वर्ल्ड बैंक का कहना क्या है। तो जैसा कि हम ये समझते हैं कि पूरे विश्व में हर देश के पास अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है और उस सेंट्रल बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह यह होता है कि वह उस देश की मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, अर्थात उस देश में ब्याज किस दर पे दिए जाएंगे या उस देश में मुद्रा को कैसे कंट्रोल करना है, इसके विषय में वो बात करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि विश्व के जो भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और उनके जो सेंट्रल बैंक हैं वो लगातार अपने देश में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए, अगर किसी समय में ब्याज दर में बढ़ोतरी की जाती है तो ऐसे में उस मार्केट में लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है, अर्थात अचानक से लिक्विडिटी कम होने लगती है, और जब लिक्विडिटी कम होती है तो ऐसे में मांग कम होती है, और जब मांग कम होती है तो महंगाई को आप वहां पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मांग कम होगी, लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो मांग कम करेंगे, इस तरीके से महंगाई जो है वो कंट्रोल में आती है। सीधा सा फंडा है कि सरकार ने या वो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट या वहां का जो भी ब्याज दर है उसको बढ़ा दिया। ब्याज दर बढ़ाने से ही क्या हुआ, लोन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, लोग जो है वो लोन लेना कम कर देंगे, और जब लोन लेना कम करेंगे तो ऐसे समय में उनके पास करेंसी जो है वो कम हो जाएगी, और जब करेंसी कम हो जाएगी तो वो मार्केट में डिमांड कम करेंगे, तो ऐसे में डिमांड और सप्लाई का जो चेन है वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अब इसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि विश्व के जो बड़े देश हैं उनके सेंट्रल बैंक लगातार अपने देश में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। अब जब ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी करते जा रहे हैं तो ऐसे समय में अचानक से पूरे मार्केट में मांग हो जाएगी कम, और मांग कम होने की वजह से आ जाती है मंदी। अब मंदी क्यों आ रही है इसको समझते हैं। देखिए, जब हम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो हम मांग नहीं करेंगे, जब हम मांग नहीं करेंगे तो ऐसे में आपूर्ति अर्थात सप्लाई नहीं होगी। अब जब सप्लाई नहीं होगी इसका मतलब प्रोडक्शन रेट गिरेगा, प्रोडक्शन रेट गिरेगा इसका मतलब उस कंट्री में प्रोडक्शन रेट गिरने की वजह से क्या होने वाला है कि वहां पर उसकी जीडीपी कंट्री की वो कम हो जाएगी, जीडीपी कम होने वाली है इसका मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप अमेरिका का केस देख रहे हैं तो अमेरिका केस में यही होने वाला है, वहां का जो फेडरल बैंक है अभी के अनुमान से यह लग रहा है कि वह ब्याज दर को बढ़ाएगा। अब ब्याज दर के बढ़ाने का सिग्निफिकेंस 2023 में दिखाई देगा, जब वहां पर बेरोजगारी दर जो है वो 1970 के दशक के बाद बहुत तेजी से वहां पर बढ़ने वाली है, क्योंकि सप्लाई कम होगी, तो सप्लाई कम होने की वजह से
काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम होने वाली है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे समय में जो पूरा विश्व है वो मंदी के कुचक्र में फंस जाएगा। अब मंदी के कुचक्र में फंसने की वजह से क्या होने वाला है कि अर्थव्यवस्था लगातार पूरे विश्व की डाउन होने लगेगी। इसके पीछे के कारण है, कई सारे कारण है। कारण पहला यह है कि यूक्रेन और रशिया वॉर ने पूरे विश्व को अचानक से अस्थिर कर दिया, क्योंकि खाद्य जो है वो यूक्रेन अर्थात जो वीट है वहां पर, यूक्रेन उसमें बहुत पावरफुल कंट्री है, रूस बहुत पावरफुल कंट्री है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया रूस और यूक्रेन में, इस वजह से पूरे विश्व में खाद्य सामग्रियों के दाम अचानक से बढ़ गए। ऐसे में भारत पर देखिए कितना दबाव डाला गया विश्व की तरफ से। इसके अलावा कोविड के आने की वजह से भी लोगों के पास जो परचेजिंग पैरिटी है, जो परचेजिंग पावर है, वो डिक्रीज कर गई और भारत की अर्थव्यवस्था भी इसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाली है। साथ ही साथ चीन में जो जीरो कोविड पॉलिसी है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि पूरा विश्व लगातार इस दलदल में फंसता जा रहा है, जिसकी वजह से मंदी आने की जो पूरी संभावना वो व्यक्त कर दी गई है कि 2023 में मंदी किसी भी हालत में आके रहने वाली है। अब यहां पर एक चीज और समझते हैं, हम चलते हैं 1929 के केस में, जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था और जो कि एक कारण बना था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। देखिए उस समय हुआ क्या था, उस समय अमेरिका जो कि पूरे यूरोप को कर्ज दिया करता था, अमेरिका में अचानक से मांग और पूर्ति का जो चेन है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उस समय कहा जाता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात जो आपूर्ति है वो अपने मांग को खुद ही क्रिएट कर देती है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से मांग कम हो गई। तो जब मांग कम होती है तो मांग कम होने की वजह से लोग सप्लाई भी कम करना कम कर देते हैं, और सप्लाई कम करने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। साथ ही साथ वहां का शेयर मार्केट भी क्रैश कर गया और अमेरिका ने पूरे विश्व में खासकर यूरोपीय देश जो है उनको लोन देने से मना कर दिया। इस तरीके से पूरा विश्व ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। और उसके बाद एक नई इकोनॉमी का वो तरीका आता है कि अब उस समय जो 1930 के पहले सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी थी, वो 30 के बाद डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी होगी, अर्थात डिमांड हमको लानी है मार्केट में, इससे इसके अकॉर्डिंग ही हमें वहां पर सप्लाई को क्रिएट करना है। तो अब यहां पर क्या परिस्थितियां बन रही, परिस्थितियां ये बन रही हैं कि अचानक से मांग में आ गई है कमी, क्योंकि लोगों के पास हो गया है पैसा कम। तो फिर इसका सलूशन आएगा कहां से, हम क्या करें जिससे कि यहां पर सलूशन हम लोग को मिलने लगे। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हमें इकोनॉमिक्स के उस तत्व को पकड़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो तत्व है वह है इन्वेस्टमेंट इज अ की ऑफ सक्सेस। यहां पर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जॉब क्रिएट होंगी, और जब जॉब क्रिएट होंगी तो जिसके पास जॉब आएगी वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा, क्योंकि उसका पैसे आएंगे, और डिमांड करेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो और जॉब क्रिएट होगा। मतलब ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए कि मेनली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सपोर्ट करे, इन्वेस्टमेंट को यहां पर बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ेगी। हमें लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, हमें ज्यादा नोट नहीं छापने हैं, हमें लोगों के परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो चीजों को वो चीजों की डिमांड करेगा, और जब चीजों की डिमांड करेगा तो बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी जो है वो अच्छे तरीके से रन करने लगेगी। अब एक बात समझते हैं कि भारत में आखिर इस मंदी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए 2008 में जो मंदी आई थी पूरे विश्व में, भारत उससे बहुत कम अफेक्ट हुआ था। मेनली अगर देखा जाए तो भारत में जो मंदी का इफेक्ट रहा है वो 1955-56 में रहा है, फिर 1960-61 के आसपास रहा है, फिर 1973-74 के आसपास रहा है। ये जो दौड़ रहा है, इस समय मंदी का प्रभाव भारत में देखने को मिला था, कि भारत में जीडीपी जो है वो नेगेटिव थी। आईएमएफ ने भारत में एक अच्छे जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद जताई है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7 के आसपास रहेगा। कई सोर्स बोलते हैं कि 6.6 के आसपास भी ये परसेंटेज रह सकता है। पर विश्व में अगर बाकी कंट्री से हमेशा कंपेरिजन करें तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो और किसी कंट्री के मुकाबले काफी बेहतर है। इंडिया के ऊपर आशाएं बहुत देशों ने लगाई हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है पूरे विश्व को संभालेगी। इसके पीछे का मेन कारण क्या है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था
सामान्य तौर पर जो वहां पे सेविंग कल्चर है उस पर डिपेंड करती है। भारत में अभी भी लोग सेविंग पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट का जो वो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यहां पर लोग पैसे अपने पास बचा के रखते हैं, जिसकी वजह से बुरे वक्त पर वो मांग करते हैं, और जब मांग होती है तो आपको पता ही है कि सप्लाई इंक्रीज करती है। इसलिए भारतीय इकोनॉमी जो है वो मेनली डिपेंड करती है सेविंग पे, और सेविंग होने की वजह से यहां पर इकोनॉमी में डिमांड बरकरार रहती है, लोग लगातार पैसे रखे रहते हैं और उसकी वजह से वो मांग करते हैं, जिस कारण हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो रन करती है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरा विश्व इस समय भारत की तरफ एक आशा की निगाहों से देख रहा है। ऐसे में भारत जो है वो विश्व को लीड कर सकता है इस दौर में, जिस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार नीचे की ओर बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने चर्चा करी एक ऐसे विषय पर जिस पर पूरा विश्व इस समय चिंतित है, और वो है आर्थिक मंदी। पूरी बातों को मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।